हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस सिविल लेक्चर्स। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर हम लोग फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट देखने वाले हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर का आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा है, इससे आप लोग कंटिन्यूटी के अंदर रहोगे। प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जिसने भी मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखो, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था टाइप्स ऑफ स्टील कनेक्शंस बेसिकली दो होते हैं, बोल्टेड और वेल्डेड। रिवेटेड भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है। मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए से बताया था कि बोल्ट कुछ इस तरह से होते हैं और रिवेट कुछ इस तरह से होता है। रिवेट के अंदर हम लोग को नॉइस पॉल्यूशन होगा, हैमर का यूज़ करना पड़ता है। बोल्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। बोल्ट के अंदर दो टाइप बताया था मैंने, ब्लैक बोल्ट एक है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है। और वेल्डेड कनेक्शन के अंदर दो टाइप है, एक है बट वेल्ट और दूसरा है फिलेट वेल्ट। ब्लैक बोल्ट देखे थे, ब्लैक बोल्ट कुछ इस तरह से होता है। ब्लैक बोल्ट माइल्ड स्टील रॉड का बना हुआ होता है, हेक्सागोन हेड रहता है, उसके ऊपर नट यूज़ करते हैं हम लोग। बेसिकली कॉमनली ब्लैक बोल्ट यूज़ होता है। लाइट लोड के लिए पर्लिंस के अंदर और ब्रेसिंग के अंदर हम लोग ब्लैक बोल्ट यूज़ करते हैं। जब डायनेमिक लोडिंग कंडीशन आएगी और डायनेमिक लोड आएगा, वहाँ पर हम लोग ब्लैक बोल्ट यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन था एडवांटेज ऑफ ब्लैक बोल्ट ओवर रिवेटेड और वेल्डेड कनेक्शन। इट रिक्वायर्स सिंपल टूल, अनस्किल लेबर वर्क कर सकता है। नो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई स्पेशल इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। नॉइसलेस है। एज सुन एज द बोल्ट आर टाइटन द कनेक्शन स्टार्ट सपोर्टिंग लोड। जिस तरह से आप लोग बोल्ट और नट को टाइट करोगे तो लोड कैरिंग करना स्टार्ट होगा। इट इज़ ईजी टू डिसमेंटल एंड रीयूज द मटेरियल। हम लोग उसको ईजिली डिसमेंटल कर सकते हैं और दूसरी जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेस वर्क फास्ट होता है। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट कुछ इस तरह से होता है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो मार्केट में कॉमनली यूज होता है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को और हम लोग फ्रिक्शन बोल्ट भी बोलते हैं। ये होता है माइल्ड कार्बन स्टील से बने हुआ, मीडियम कार्बन स्टील से बने हुआ रहता है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन रहता है 8.8, 10.9S। S जो रहता है सफिक्स के अंदर वो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को डिनोट करता है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट कॉमनली यूज होता है, कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा आप लोगों को मार्केट में। एडवांटेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट क्या होता है? इट डज नॉट अलाउ स्लिप बिटवीन कनेक्शन मेंबर, स्लिप होने से रोकता है। फ्रिक्शन के जरिए से लोड ट्रांसफर होता है। ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ लेस नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर, जिसकी वजह से हम लोग रिजल्ट साइज ऑफ गसेट प्लेट रिड्यूस होती है। कल के लेक्चर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था गसेट प्लेट कुछ इस तरह से रहेगी। मेंबर्स जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हम लोग एक प्लेट यूज करते हैं टू कनेक्ट द मेंबर्स। देर इज नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन द होल्स, देर इज नो नॉइस पॉल्यूशन, फ्यू पर्सन रिक्वायर्ड, दैट्स कॉस्ट इज रिड्यूस, कॉस्ट कम लगती है। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ जॉइंट देखे थे। बेसिकली दो टाइप होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब जब हम लोग एक मेंबर को दूसरे मेंबर के ऊपर रखेंगे। व्हेन मेंबर आर प्लेस अबव द अदर, बोथ आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ बोल्ट और वेल्ड जॉइंट नोन एज लैप जॉइंट। यहाँ देखिए सिंगल लैप जॉइंट, ये डबल लैप जॉइंट होता है। और बट जॉइंट किसको बोलते हैं? प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग अ कवर प्लेट ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ द जॉइंट। जब आपको प्लेट्स और मेंबर्स को, आपका ये स्टील मेंबर्स है, इसको कनेक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग को प्लेट की ज़रूरत है। एक सिंगल प्लेट भी यूज होती है, कई जगह डबल प्लेट भी यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग बोल्ट यूज़ करो, ये होता है आपका बट जॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट। व्हाई स्टडी फेलियर? हम लोग फेलियर क्यों स्टडी कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर? इट इज़ ओनली आफ्टर स्टडिंग फेलियर वी कैन ट्राई टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फेलिंग। जब तक हम लोग फेलियर पता ही नहीं चलेगा तो हम लोग
फेलियर होने से रोक कैसे सकेंगे, इसलिए हम लोग को फेलियर स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी टू नो द वीक पॉइंट, हमारा वीक पॉइंट कौन सा है स्ट्रक्चर के अंदर, किस वजह से हमारा फेलियर होगा और कहाँ पे फेलियर होगा, ये हम लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए, इसलिए हम लोग फेलियर स्टडी कर रहे हैं। हेल्प अस टू डिसाइड वेदर टू पे द मोस्ट अटेंशन सो एज टू अवॉइड एनी डिज़ास्टर, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कंसंट्रेशन देना होगा और जहाँ पे हम लोग लोड के हिसाब से क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ पे फेल होने वाला है स्ट्रक्चर। अगर मुझे पता चल गया कि बेरिंग में फेल हो रहा है, बेरिंग फेलियर ऑफ प्लेट है या बेरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट है या शेयर फेलियर हो रहा है इन प्लेट या बोल्ट, तो मुझे अगर फेलियर पता रहेगा तो मैं उसको इजीली हैंडल कर पाऊंगा। फेलियर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू RCC, ये पॉइंट याद रखिए आप लोग, स्टील स्ट्रक्चर का जो फेलियर रहता है वो ज़्यादा डेंजर रहता है एज़ कम्पेयर टू RCC स्ट्रक्चर। फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट, शेयर फेलियर मोड होता है, बेरिंग फेलियर मोड होता है, टेंसाइल फेलियर मोड होता है। शेयर फेलियर के अंदर दो आएंगे, शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट। बेरिंग फेलियर के अंदर भी दो टॉपिक आते हैं, बेरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट और बेरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। टेंसाइल फेलियर के अंदर भी दो, टेंसाइल फेलियर ऑफ बोल्ट और टेंसाइल और टेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, और एक टॉपिक आता है ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ प्लेट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से, शेयर फेलियर मोड। शेयर फेलियर मोड क्या होता है, उसके अंदर फर्स्ट शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट, शेयर स्ट्रेस आर जनरेटेड व्हेन द प्लेट स्लिप ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, द मैक्सिमम फैक्टर शेयर फोर्स इन द बोल्ट मे एक्सीड द नॉर्मल शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, द शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट टेक्स प्लेस। क्या होता है देखिए, ये इमेज के अंदर आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोग ने कौन सा जॉइंट यूज किया है, बट जॉइंट है ये या लैप जॉइंट है, ये है लैप जॉइंट। दो स्टील मेंबर से जिसको मैंने कनेक्ट किया एक नट बोल्ट से, ठीक है। जब यहाँ पे मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक लोड अप्लाई किया पी, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया दोनों तरफ से, तो क्या होगा, लोड की वजह से ये जो मेरा बोल्ट है, बोल्ट के अंदर स्ट्रेसेस आएंगे, यहाँ पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस होगा। देखिए दो मेंबर्स, एक के ऊपर आप एक रख रहे हो और लैप जॉइंट दे रहे हो, तो यहाँ शेयरिंग की वजह से यहाँ पे शेयर फोर्स क्रिएट होगा, शेयर फेलियर आकर होगा बोल्ट के अंदर। तो बोल्ट के अंदर शेयर फेलियर आकर होगा तो क्या होगा, बोल्ट का कुछ पोर्शन इधर हो जाएगा ड्यू टू दैट लोड, और ड्यू टू दैट लोड ये पोर्शन इधर हो जाएगा, मतलब बोल्ट दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। ये होता है सिंगल शेयर, क्या होता है सिंगल शेयर। ये है बट जॉइंट की एग्जांपल जहाँ पे डबल शेयर होता है। देखिए दो मेंबर्स है, दो मेंबर्स को मैंने दो प्लेट से कवर किया है, ऊपर एक प्लेट है नीचे एक प्लेट है, दो मैंने नट बोल्ट यूज़ किया। जब मैंने लोड अप्लाई किया टेंसाइल फोर्स इधर और इधर, तो क्या होगा कि देखिए यहाँ डबल शेयर कैसा आ रहा है, पहले ये बता दूँ मैं आपको। देखिए यहाँ ये एक पोर्शन है ऊपर वाला, ऊपर वाली प्लेट का रेड पोर्शन से मैं बता रहा हूँ, ये वाला और ये आपकी प्लेट, तो यहाँ पे एक शेयर फेलियर शेयर प्रोड्यूस होगा, दिख रहा है रेड में यहाँ पे और इसमें, दोनों में एक शेयर प्रोड्यूस होगा। अब बॉटम में क्या है, बॉटम में भी आपने एक प्लेट प्रोवाइड की है, तो ये प्लेट और आपके स्टील का जो बॉटम का सरफेस है, तो यहाँ पे एक शेयर प्रोड्यूस होगा, तो मतलब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इसलिए ये डबल शेयर है। क्या है, डबल शेयर, याद रखना। अगर आप लोग जब लैप जॉइंट यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, सिंगल, यहाँ पे कुछ कवरिंग है क्या, नहीं है, यहाँ पे सिंगल शेयर है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि दो कवर प्लेट प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह शेयर फेलियर होगा और डबल शेयर प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए नट बोल्ट हमारा जो डिवाइड होगा वो तीन पोर्शन में होगा, टॉप का इतना पोर्शन, ये पोर्शन और लास्ट में ये पूरा वाला, यहाँ बताया मैंने डायग्राम के अंदर, देखिए इतना पोर्शन अलग हुआ, इतना पोर्शन अलग हुआ, ये अलग पोर्शन है, ये शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट है, मतलब बोल्ट शेयर में फेल हो रहा है, ये फेलियर की वजह से भी मेरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने स्टील की प्लेट और ये शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट, क्या हो गया, ये मेरा पूरा बोल्ट था लेकिन थ्रेड से आधा ये टूट गया,
नेक्स्ट वन आता है शेयर फेलियर मोड के अंदर, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इज लेस देन द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड। शेयर फेलियर ऑफ प्लेट ऑकर टू अवॉइड दिस मिनिमम एज डिस्टेंस शेल बी प्रोवाइडेड। यहाँ इमेज के अंदर देखिए, ये मेरी एक प्लेट है जिस पर मैंने लोड अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल पी, और पी टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। आप कुछ भी लोड अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेंसाइल ही फोर्स हो, कॉम्प्रेसिव फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपका बोल्ट की स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इज लेस, जब प्लेट की स्ट्रेंथ कम है और बोल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो क्या होगा, बोल्ट वहीं रहेगा और प्लेट रप्चर हो जाएगी। इसको बोलते हैं शेयर फेलियर ऑफ प्लेट। क्या बोलेंगे, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट कब होगा, जब बोल्ट की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट में ये ऑकर होगा। नेक्स्ट वन है बेयरिंग फेलियर मोड, बेयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट्स। सबसे पहले देख लेते हैं, नॉर्मली द बोल्ट मटेरियल इज ऑफ मच हायर स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ स्टील प्लेट। जो हम लोग बोल्ट यूज करते हैं वो जनरली ज़्यादा स्ट्रेंथ का रहता है एज कम्पेयर टू प्लेट की स्ट्रेंथ। प्लेट की स्ट्रेंथ से बोल्ट हमेशा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, थ्रू विच बोल्ट पासिस एज रिजल्ट बेयरिंग फेलियर टेक्स प्लेस। उसकी वजह से बेयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट होता है। इन द प्लेट मटेरियल द बोल्ट में डिफॉर्म ड्यू टू हाई लोकल बेयरिंग स्ट्रेस। ड्यू टू हाई लोकल बेयरिंग स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, बोल्ट फेल होगा बेयरिंग के अंदर। देखिए इमेज के अंदर आपको क्लियर होगा, जब मैंने ये एक लैब जॉइंट यूज़ किया है और नट बोल्ट यूज़ किया है, तो क्या हो गया, मेरा बोल्ट ऐसा रहना चाहिए ना हॉरिजेंटली, लेकिन ड्यू टू लोड क्या हो गया, ये ऐसा, इसको बोलते हैं बेयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। देखो डायग्राम के अंदर क्लियर होगा कि बोल्ट कैसा हो गया, बोल्ट स्ट्रेट है क्या, नहीं, बोल्ट यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, डिफॉर्मेशन बोल्ट के अंदर होगा, तो उसको बोलते हैं बेयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। अगर बोल्ट टूट गया, यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, टूट गया, रप्चर टूट गया, ये क्या है, शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट। बेयरिंग और बोल्ट, बेयरिंग और बियरिंग और शेयर में, दोनों में डिफरेंस देखिए, शेयर के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, शेयर की वजह से प्लेट के अंदर शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, इससे ये टूटा। यहाँ पे किस वजह से हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पे शेयर, ये दो मटेरियल है, सॉरी दो स्टील मेंबर्स है, और यहाँ पे लोड जब अप्लाई करें आप लोग इधर और इधर, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ज़्यादा है तो वो कंडीशन में ये ऑफर हो एज कम्पेयर टू प्लेट। नेक्स्ट वन बेयरिंग फेलियर मोड के अंदर दूसरा आता है बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। व्हेन ऑर्डिनरी बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स द स्लिप टेक प्लेस एंड बोल्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेट। द प्लेट में क्रस्ट इफ द प्लेट मटेरियल इज वीकर देन द बोल्ट मटेरियल द बेयरिंग प्रॉब्लम कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय बोल्ट और द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एज इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। क्या होता है, ये डायग्राम से आप लोग को क्लियर होगा, बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, जब लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी प्लेट की कम है और बोल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये ऐसा रप्चर होगा। क्लियर हो रहा, बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट बोलते हैं इसको। देखिए प्लेट कुछ इस तरह से थी, लोड आने के बाद नट निकल गया और इतना रप्चर हुआ प्लेट के अंदर, तो इसको बोलते हैं बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। नेक्स्ट वन है टेंसाइल फेलियर मोड। टेंसाइल फेलियर में दो है, टेंसाइल फेलियर ऑफ बोल्ट, द बोल्ट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स फॉल्स इफ फैक्टर टेंसाइल फोर्स इज ग्रेटर देन टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। द टेंसाइल कैपेसिटी डिपेंड अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट एंड मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द थ्रेटेड लेंथ ऑफ द बोल्ट। देखिए एक मेंबर है जिसके अंदर हम लोगों ने एक यहाँ पे एक मेंबर लगाया है, ये जो नट बोल्ट है ना, ये टेंसाइल फोर्स इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये टेंसाइल फोर्स क्या बोल रहा है, ये द बोल्ट सब्जेक्ट टेंसाइल फोर्स इफ फैक्टर टेंसाइल फोर्स, फैक्टर टेंसाइल फोर्स इज ग्रेटर देन टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। इसकी जो टेंसाइल कैपेसिटी बोल्ट की है वो कम हो गई और फैक्टर फोर्स बढ़ गया, टेंसाइल के फैक्टर टेंसाइल फोर्स, तो वो कंडीशन में टेंसाइल फेलियर ऑफ बोल्ट होगा। देखिए बोल्ट कुछ इस तरह से रप्चर होगा, दिख रहा है पोर्शन कैसा कटा, शेयर फेलियर के अंदर अलग था,
नेक्स्ट वन है टेंसाइल फेलियर मोड के अंदर टेंसाइल और टेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। टेयरिंग फेलियर के अंदर क्या होता है, टेयरिंग फेलियर ऑकर व्हेन द बोल्ट आर स्ट्रॉन्गर देन द प्लेट, टेंशन ऑन बोथ ग्रॉस एरिया यील्ड एंड नेट इफेक्टिव एरिया मस्ट बी कंसिडर। इसके अंदर क्या है, जब बोल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है प्लेट की स्ट्रेंथ कम है तो रप्चर देखिए कैसा हो रहा है, प्लेट का इतना पूरा पोर्शन ही कट के उधर चले गया यानी टूट गया और बोल्ट निकल गया। इसके अंदर क्या हो रहा था देखिए, टेंसाइल फेलियर मोल्ड बोल्ट नहीं प्लेट के अंदर देखते, प्लेट के अंदर देखिए यहाँ से ये सिर्फ थोड़ा सा निकल गया साइड से, यहाँ से टूटा क्या, ऐसा टूटा क्या नहीं, ये बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट के अंदर देखिए, बेयरिंग फेलियर के अंदर सिर्फ यहाँ से नट निकल गया, इतना पोर्शन टूटा, आधा इतना पोर्शन टूट के निकला क्या, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इतना इतना पोर्शन निकल के वो साइड हो गया। अगर सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन निकलता तो क्या बोलते हम लोग उसको, बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, लेकिन ये क्या है, टेंसाइल और टेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ प्लेट, ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बता दूँ। ब्लॉक शेयर फेलियर इज लिमिट स्टेट दैट कम्बाइंस टेंशन फेलियर ऑन वन प्लेन एंड शेयर फेलियर ऑन द परपेंडिकुलर प्लेट। क्या होता है, जब आपका कोई गसेट प्लेट है या आपने कोई प्लेट यूज़ की जिसके ऊपर नंबर ऑफ बोल्ट्स कुछ इस तरह से यहाँ पे फोर है यहाँ पे फोर है, तो अगर यहाँ पे ब्लॉक शेयर फेलियर आकर हुआ तो इतना पोर्शन देखिए, इतना पोर्शन रह गया, इतना पोर्शन अलग हो गया, जिसको बोलते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ प्लेट। समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, थैंक यू।